नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। मित्रों, हमारे द्वारा अपलोड नए वीडियोस की जानकारी प्राप्त करने के लिए भाग्य मंथन को आज ही सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर सेलेक्ट करें। जिन लोगों ने भाग्य मंथन को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, वो लोग भी अपना नोटिफिकेशन बेल का स्टेटस जरूर चेक करें। आज हम आपको वास्तु शास्त्र में बताए गए दरवाजे से संबंधित दोष और उनसे होने वाली परेशानियों के बारे में बताएंगे। वास्तु शास्त्र में घर निर्माण से लेकर घर के मुख्य द्वार की बनावट और प्रत्येक चीज के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें अपनाने से हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लाभ मिलता है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको दरवाजे से संबंधित कुछ खास बातें बताएंगे, जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। पहला, घर का मुख्य दरवाजा हो या फिर अंदर के कमरों का दरवाजा, यदि वह अपने आप बार बार खुलता व बंद होता रहता है तो यह गृह स्वामी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। इसके कारण गृह स्वामी उन्मादी, मानसिक रोगी और चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। दूसरा, तिरछा या टेढ़ा दरवाजा। जिन लोगों के घर के दरवाजे सीलन के कारण तिरछे या टेढ़े हो जाते हैं, उन्हें अपने घर के दरवाजों को तुरंत बदलवा देना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ऐसे दरवाजों को कुलनाशक बताया गया है। तीसरा, चौखट की नाप से बड़ा दरवाजा हो तो यह भी हानिकारक होता है। ऐसे परिवार को प्रशासन की ओर से सदैव कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, इसलिए यदि घर में कोई दरवाजा चौखट से थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो उसे शीघ्र ही सही करवाएं। चौथा, चौखट की नाप से छोटा दरवाजा हो तो यह भी हानिकारक होता है। जिनके घर में चौखट से छोटा दरवाजा होता है, उनमें सामान्यतः असुरक्षा की भावना पाई जाती है। इस प्रकार के दरवाजे सदैव रोगों और चोरों को आमंत्रित करते हैं, इसलिए जो दरवाजे चौखट की माप से काफी छोटे हैं उन्हें शीघ्र बदलवाएं। पांचवा, घर के मुख्य दरवाजे में दरारें और टूट फूट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। घर का मुख्य द्वार सदैव सुंदर और मजबूत होना चाहिए। मजबूत और सुंदर मुख्य द्वार जीवन में प्रतिष्ठा दिलवाते हैं। छठा, घर के मुख्य द्वार के दरवाजे में सदैव दो पल्ले होने चाहिए। ऐसा करने से गृह स्वामी की आयु में वृद्धि होती है। घर के अंदर के कमरों में एक पल्ले वाला दरवाजा लगाया जा सकता है। सातवां, घर के मुख्य द्वार का दरवाजा सदैव अंदर की ओर खुलना चाहिए। बाहर की ओर खुलने वाला दरवाजा शोक समाचार ज्यादा सुनवाता है। आठवां, मुख्य द्वार हो या फिर घर के अंदर के द्वार, इनके बिल्कुल सामने कोई चीज नहीं होनी चाहिए। दरवाजों के सामने का स्थान सदैव खाली रहना चाहिए। नवा, घर के दरवाजे बंद या खुलते समय चूं चूं की आवाजें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ऐसा होने से परिवार में बिना मतलब क्लेश पड़ता है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ज्ञान यात्रा में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।